हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगा आपको निकोन का जो 5600D का मॉडल है, तो इस DSLR के मैं मैनुअल सेटिंग बताने वाला हूं। बहुत सारे भाई लोग को अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि शटर स्पीड कैसे उसको चेंज करें, ISO, अपर्चर, तो ये सारी चीज़ और कलर ग्रेडिंग। तो ये बेसिक इसको जो कि कलर जो परफेक्ट है नेचुरल कैसे करेंगे, या तो आपको चाहिए थोड़ा सा मतलब जो कलर होता है ब्राउन कलर का बहुत लोग पसंद करते हैं इंडिया में, तो उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। और फ्लैक्स लाइट वगैरह किसी किसी को जब मैनुअल यूज करते हैं तो फ्लैक्स जलता ही नहीं, इस सब सारी समस्या को मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं इस कैमरे के बारे में, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत अच्छा चीज़ सीखने वाला आज सीखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम फटाफट कैमरा को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि जो ये शटर है देख सकते हैं 180 मतलब कि एक सेकंड में 80 बार मतलब जो है कि शटर जो है कि खुलेंगे। हाँ, तो आप इतना रख सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, अगर दिन में आप फोटो खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप ये जो शटर है आप यहाँ पे 160 से लेकर के 200 के बीच में रखेंगे, ठीक है? और इसको चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स बटन दिया हुआ है, जिसको हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे, कुछ भी नहीं दबाएंगे, सिर्फ इसको घुमाएंगे, तो इससे हमारा इस बटन से शटर चेंज होता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको पहले 150 कर दिया है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे बीच वाला जो है उसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है? तो अपर्चर को कैसे ठीक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अपर्चर का लिए एक यहाँ पर देख सकते हैं साइड में यहाँ पर जहाँ पर लेंस खुलता है, देखिए यहाँ FN बटन नाम है, तो इसको एक बार इसको दबा के रखिएगा, ठीक है? दबा के रखने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ISO 100 कर रहा है, तो ये ISO के लिए बटन है। तो अभी अब हम लोग पहले ISO सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ISO को मैं सेट कर लेता हूँ। देखो ISO 800 रखेंगे, दिन में अगर शूट करेंगे तो 800, और अगर रात में करेंगे तो 1600, ठीक है? तो इसको फिलहाल 800 रखते हैं। और इसको चेंज कैसे किए, पहले इस बटन को FN को दबा के रखना है, उसके दौरान इसको मूव करना है इसे, ठीक है, राइट साइड घुमाना है। तो देख सकते हैं 800 हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो इसका ISO का मतलब है कि थोड़ा अगर अंधेला है तो उसको हल्का लाइट दे सकते हैं, ठीक है, इसके लिए ISO होता है। अब देखते हैं F11 मतलब इसको कहते हैं अपर्चर, ठीक है? तो अपर्चर को देखिए कैसे चेंज करेंगे। अपर्चर के लिए देखिए यहाँ माइनस प्लस एक आइकन का एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस एक आइकन दिया, तो इसको हम लोग दबा के रखेंगे, ठीक है? दबा के रखने के बाद इस डायलॉग बॉक्स से अगर घुमाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी 16:20 देख सकते हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे 22 इतना हो रहा है। तो इसको अगर कम लाइट रहेगा आपको, अगर रूम के अंदर कर रहे हैं तो इसको 6.3 रखिए, ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा धूप है वहाँ पर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको F8 में रखिए या तो F9 में रखिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोटो है बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है? तो इससे जितना सारा चीज़ मैंने सेटिंग किया, इसके पहले आपको सबसे पहले जो मेन बटन होता है डायलॉग बॉक्स, जिससे हम लोग ऑटो मोड या मैनुअल मोड, तो ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि M मतलब मैनुअल होता है और A4 इधर ऑटो ये वाला है दोस्तों, ग्रीन वाला, ये A4 ऑटो नहीं समझिएगा, ये M4 मैनुअल है, बट इधर ऑटो के लिए स्पेशल एक ग्रीन कलर का आइकन बना हुआ है तो ऑटो होता है। अब रही समस्या कि इतनी सारी चीज़ बताएं लेकिन फिर भी नहीं सीखें आप, तब आप उस दौरान में कैसे इस कैमरे से फ़ोटो या वीडियो लेंगे, तब उस दौरान में आपको सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है ऑटो मून, ठीक है? आप ऑटो मून में एक अच्छा काम भी करके फ़ोटो खींच करके आ सकते हैं, ठीक है? और अगर सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मैनुअल आज से ही चलाना शुरू कर दीजिए इस कैमरे को, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मैनुअल शूट करने पर। कल ही मैंने शूट किया कुछ फ़ोटो, तो मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए आज का ही फ़ोटो है। तो देखिए अगर ऑटो में खींचेंगे तो ये सारी समस्या आएंगे, जैसे ब्लैक आ गया है यहाँ पर, देखिए मैनुअल कुछ अगर खींचने पर आता है, देखिए क्वालिटी में दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, 2-4 फ़ोटो, तो इसमें अभी 4 ही फ़ोटो है एक्चुअली। तो देखिए ये है मैनुअल का, ये है मैनुअल का, और ये है ऑटो का, तो इस इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इतना फ़र्क पड़ता है इस कैमरे से। तो देखिए अभी मैंने बता दिया है इस कैमरे के बारे में, और चैनल में नए आए होंगे तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सीखने के लिए मिला होगा।
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना। और बहुत जल्द इसके बारे में और अच्छे से बताने वाला हूँ। एक्चुअली अभी कैमरा का बुकिंग आया है तो भाई लोग लेके जाने वाले हैं, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता दिया। जब उधर से कैमरा रिटर्न आ जाएगा तो इसके बारे में जो अंदर अंदर की जो सेटिंग होती है ना, मैनुअल के अंदर भी और अच्छी चीज़ सेटिंग होती है, उसको मैं फोकस वाला बताऊंगा, ठीक है। ओके सो थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।